आपका सवाल नंबर एक है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी अंगद देव, डी गुरु रामदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। आपका सवाल नंबर दो है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आपके ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी आनंदीबाई जोशी, सी अंजुम आरा, डी किरण बेदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किरण बेदी। आपका सवाल नंबर तीन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आपका सवाल नंबर चार है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी पोलो, डी कबड्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। आपका सवाल नंबर पांच है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान, डी चिकित्सा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिनेमा। आपका सवाल नंबर छह है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शन है ए शीशा, बी हीरा, सी एल्यूमिनियम, डी ग्रेफाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीरा। आपका सवाल नंबर सात है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी सीलोन, सी हस्तिनापुर, डी वैशाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आपका सवाल नंबर आठ है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हॉकी। आपका सवाल नंबर नौ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागालैंड। आपका सवाल नंबर दस है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आपका सवाल नंबर 11 है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है ए बद्रुद्दीन तैयब, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी एम ए अंसारी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बद्रुद्दीन तैयब। आपका सवाल नंबर 12 है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर। आपका सवाल नंबर 13 है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 32,000 किलोमीटर, बी 36,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर, डी 42,000 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। आपका सवाल नंबर 14 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। आपका सवाल नंबर 15 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1952, डी 1967। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1951। आपका सवाल नंबर 16 है, डूरन कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी जूडो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका सवाल नंबर 17 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालिदास। आपका सवाल नंबर 18 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। आपका सवाल नंबर 19 है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए रुडयार्ड किपलिंग, बी रवींद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी रूडोल्फ क्रिस्टोफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग। आपका सवाल नंबर 20 है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 5 ग्राम, बी 8 ग्राम, सी 10 ग्राम, डी 12 ग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 ग्राम। आखिरी सवाल आपके लिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 20,000 हर्ट्ज़ से कम, बी 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक, सी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच, डी 20 हर्ट्ज़। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।